स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं SpO2 के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। SpO2 क्या है, SpO2 की आइडियल रेंज क्या है एंड बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो SpO2 का रीडिंग है वो एक आइडियल रेंज में होता है, तो ये तीन टॉपिक में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं SpO2 के बारे में। दोस्तों SpO2 का फुल फॉर्म है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है वो पता चलता है SpO2 से। अब यहाँ पे SpO2 एक छोटे मशीन में भी मेजर होता है एंड मल्टीपैरा मॉनिटर में भी। जो छोटे मशीन में मेजर होता है उसका नाम है फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, जो मार्केट में 1000 रुपए में मिल जाता है और वही रीडिंग मिलता है मल्टीपैरा मॉनिटर पे। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मल्टी पैरामीटर मॉनिटर पे, तो उससे पहले मैं आपको सारे पैरामीटर्स अच्छे से समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है, NIV भी आपको मैंने समझा दिया है, तो अब बारी है SpO2 की। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आइडियल रेंज क्या है। दोस्तों उसकी आइडियल रेंज है 100, इट शुड बी 100, लेकिन काफी बार मशीन इतना एक्यूरेट नहीं होता है तो उसकी वजह से प्लस और माइनस 5 का वेरिएशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उसका आइडियल रेंज है 100। उसका मतलब ये निकलता है कि आपके ब्लड में 100% ऑक्सीजन होना चाहिए, आपके ब्लड में 100% ऑक्सीजन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए कि ये जो रेंज है उसी रेंज में हमें रीडिंग क्यों मिलते हैं, ऐसा तो बॉडी में क्या होता है। दोस्तों हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना, लेकिन ब्लड जो है वो राइट साइड से भी पंप होता है, लेफ्ट साइड से भी, लेकिन राइट साइड से जो ब्लड पंप होता है वो जाता है लंग्स में। अब जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, जब आप ब्रेथ लेते हो, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन बॉडी में जाता है वो लंग्स में जाता है और वो लंग्स में ब्लड भी आया, तो वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो जब लंग्स में ब्लड आया वो डीऑक्सीजनेटेड था, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन लंग्स में ऑक्सीजन उसको मिला, वही ब्लड जाएगा लेफ्ट साइड में और वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो सोचिए 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी साइकिल हो जाती है, तो हमेशा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सेल में रहता है, इसलिए उसकी रेंज है 100 एंड इट शुड बी 100। अगर आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो, अगर आप हेल्दी हो तो आपको SpO2 का रीडिंग जो है हमेशा 100 मिलेगा। जैसे ही आप ब्रेथ लोगे वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया मैं एक मल्टी पैरा मॉनिटर पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसको अच्छी तरह से आपको समझा सकूं, इसके लिए आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने ये वीडियो में आपको बताया SpO2 क्या है, SpO2 की रेंज क्या है एंड SpO2 की जो रेंज है वो कैसे मेंटेन होती है। दोस्तों बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके SpO2 क्या है, वो कैसे मेंटेन होता है। दोस्तों अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ। ये वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो जल्दी से एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।